Hello students, today we are going to discuss about a new topic, understanding 51 to 100. आज हम 51 to 100 तक नंबर को समझेंगे। यहाँ पर हमें कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं पिक्चर के अकॉर्डिंग, मींस वन पिक्चर में जितने आपको दिए हुए हैं थिंग्स उतने यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं। जैसे फर्स्ट आपको स्टिक दी हुई है अप एंड डाउन दोनों साइड में, तो हम इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मीन्स ये टोटल 10 हैं। सेम वैसे ही आपको बिट्स दिए हुए हैं, बिट्स भी हम इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 बिट्स है। सेम वैसे ही जब हम इसको काउंट करेंगे तो इसमें भी 10 है, यहाँ भी 10 है, और जो लास्ट ग्रीन बॉक्स दिया हुआ है ये भी टोटल 10 है। हम इसको काउंट भी करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मीन्स 10 हमको यहाँ दिया हुआ है। अब हम नेक्स्ट करेंगे कि 1 में हमको 10 बिट्स दिए हुए थे, 1 में हमको 10 बिट्स दिए हुए थे, तो यहाँ पर हमको 1 2 3 4 5 दिए हुए हैं, तो हम इसको राइट करेंगे 5, और 1 में 10 हैं तो 5 tens राइट करेंगे। 5 tens मीन्स होता है 50, 5 tens मीन्स 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 50 आएगा, या फिर हम मल्टीप्लाई नहीं करके 10 10 है तो हम 10 10 को 5 बार ऐड करेंगे। जैसे 10 10 10 10 10 को जब हम ऐड करेंगे तो 0 का 0 एंड 1 2 3 4 5, तो यहाँ 50 आया है, मीन्स 5 tens इक्वल टू 50, 5 tens 50 के बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। सेम वैसे ही 6 tens इक्वल टू 60, 7 tens इक्वल टू 70, यहाँ पर हमको दिया हुआ है एक एग्जांपल, 7 tens इक्वल टू 70। सेम वैसे ही 8 tens इक्वल टू 80, 9 tens इक्वल टू 90। जब हम इन बॉक्स को काउंट करेंगे तो ये जो बॉक्स दिए हुए हैं वो 90 है, बट काउंट करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं कि वन बॉक्स में, वन पिक्चर में 10 बॉक्स है, तो 10 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 10 को जब हम 9 बार हम राइट करके जब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 90 होगा। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ कुछ अदर एग्जांपल भी दिए हुए हैं, जिसमें सर्कल में आपको 61 दिए हुए हैं और उसके अलावा भी अलग से भी कुछ दिया हुआ है। जैसे हमको यहाँ कुछ बिट्स दिए हुए हैं, जैसे 1 1 सर्कल इक्वल टू 10 बिट्स दिए हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 5 हैं, तो मीन्स 5 तो क्या है 10 से, बिकॉज 1 में 10 है, तो 5 में टोटल कितने होंगे, तो 5 में टोटल, तो 5 tens राइट करेंगे। और ये जो 1 और 2 2 जो अलग से हमको दिए हुए हैं ये भी हम इसमें ऐड करेंगे, तो 5 tens एंड 2 मेक, तो 5 tens और 2 मेक मिस मिलकर बनाते हैं 52। 2 को 1s प्लेस वैल्यू पे राइट कर देंगे, 5 को 10s प्लेस वैल्यू पे हम राइट कर देंगे, या फिर 5 tens मीन्स 50, और जब 2 ऐड करेंगे तो 50 में 2 ऐड करेंगे तो 52 होगा। सेम वैसे ही 5 tens एंड 4, 5 1 2 3 4 5 5 हमको दिए हुए हैं, 1 में 10 है, तो 5 tens और 1 2 3 4, ये 4 हमको जो अलग से दिया हुआ है वो भी हम इसमें ऐड करेंगे, तो 5 tens एंड 4 मेक, तो 54। 4 को 1s प्लेस पे राइट कर देंगे और 5 को 10s प्लेस वैल्यू पे हम राइट कर देंगे, या फिर 5 tens मीन्स 50, और इसमें जब 4 ऐड करेंगे तो 50 + 4 इक्वल टू 54। उसी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ कुछ फिल इन द ब्लैंक दिए हुए हैं, उसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे 5 tens यहाँ पर हमें पिक्चर दी हुई है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 रोज है यहाँ पे, टोटल 5 रोज है, और 1 रोज में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बॉक्स है, तो 5 tens एंड इन 1 2 3 4 5 6 6 हमको अलग से दिया हुआ है यहाँ पर, तो 5 tens एंड 6 मेक, तो कितना होगा, तो 6 को हम 1s प्लेस वैल्यू पे राइट कर देंगे और 5 जो 10s प्लेस वैल्यू पे है उसे 10s प्लेस वैल्यू पे हम राइट कर देंगे, तो 5
टेंस एंड सिक्स मेक 56, या फिर हम इसको राइट कर सकते हैं फाइव टेंस मतलब 50 प्लस सिक्स इक्वल टू 56। हम ऐसे भी इसको राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट फाइव टेंस एंड फाइव मेक, तो इस फाइव को हम वंस प्लेस वैल्यू पे राइट कर देंगे और फाइव टेंस मीन्स इस फाइव को हम टेंस प्लेस वैल्यू पे राइट कर देंगे तो ये हो जाएगा 55। और इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शॉर्ट एंड लॉन्ग फॉर्म। शॉर्ट एंड लॉन्ग फॉर्म ये पहले भी हमने की है, शॉर्ट एंड लॉन्ग फॉर्म 1 to 50 नंबर का जब हमने सॉल्यूशन किया था, 1 to 50 नंबर तक जब हमने रीड किया था तब हमने शॉर्ट एंड लॉन्ग फॉर्म भी की थी। अब हम 51 to 100 नंबर के बीच में शॉर्ट फॉर्म को करेंगे। राइट इन द शॉर्ट फॉर्म, फर्स्ट एग्जांपल हमको दिया हुआ है 50 + 3 = 53। मीन्स जो थ्री है उसे हम वंस प्लेस वैल्यू पे राइट करेंगे और 50 का जो 5 है उसे टेंस प्लेस वैल्यू पे राइट करेंगे, या फिर 50 में जब 3 को ऐड करेंगे तो 53 होगा। सेम वैसे ही 60 में जब 4 को ऐड करेंगे तो 64 होगा, या फिर 4 वंस प्लेस वैल्यू पे तो वंस में लिख देंगे, इस 6 को टेंस प्लेस वैल्यू पे राइट करेंगे। सेम वैसे ही 50 + 8 है तो इसको राइट करेंगे 58। इसको हम ऐड करके भी लिख सकते हैं या प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग भी हम इसको राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइट इन द लॉन्ग फॉर्म। लॉन्ग फॉर्म में हम कैसे राइट करते हैं, जैसे इसको हम रीड करेंगे तो कैसे रीड करेंगे, 94 को 94, तो जो हम रीड कर रहे हैं वही हमको राइट करना है 94 90 और 4 मीन्स 90 + 4। ऐसे नेक्स्ट है 75 75 मीन्स 70 + 5, या हम इसको राइट कर सकते हैं कि 5 वंस प्लेस वैल्यू पे है तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 = 5, और 7 टेंस प्लेस वैल्यू पे है यानी 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 10 = 70। नेक्स्ट वैसे ही हमको फिल इन करना है थर्ड क्वेश्चन में, तो 60 + स्पेस दिया हुआ है = 69, तो यहाँ क्या आएगा वो हम राइट करेंगे। तो देखिए जो आंसर है ना हम उसको देखेंगे, आंसर हमको 69 दिया हुआ है तो 69 को जब हम लॉन्ग फॉर्म में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, 69 को हम राइट कैसे करेंगे लॉन्ग फॉर्म में, 60 + 9 ऐसे ही राइट करेंगे 69 को, 60 + 9, तो 60 हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, हम ये 9 यहाँ पर राइट कर देंगे। मीन्स 60 में जब 9 ऐड करेंगे तो 69 होगा। सेम वैसे ही 87 है, तो 87 को राइट करने के लिए जब हम शॉर्ट फॉर्म में ये इसको लॉन्ग फॉर्म में राइट करेंगे तो 80 + 7। सेम वैसे ही जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें हमें फर्स्ट वाला स्पेस दिया हुआ है, तो इसमें हम कैसे फिल करेंगे, तो इसको हम इस जो आंसर है उसको देखेंगे, हम जो आंसर है वो हमको दिया हुआ है 54, तो 54 इसको हम रीड करेंगे तो इसको हम जब स्पीक करेंगे तो बोलेंगे 54 यानी 50 + 4, तो 4 हमको ऑलरेडी दिया हुआ है मीन्स फर्स्ट बॉक्स में हम राइट करेंगे 50 मीन्स 50 में जब 4 को ऐड करा तो हमारा आंसर होगा 54। थैंक यू।